असद काफ़ी अरसे से अनएम्प्लॉयड था, जिसकी वजह से उसकी सिचुएशन घर में बहुत ऑड होती जा रही थी। एक दिन यूं ही अवजार बैठा था कि उसकी अम्मी ने उससे कहा, असद जाओ जाकर दही ला दो, हर वक्त यहाँ बैठे मोबाइल इस्तेमाल करते रहते हो, ये नहीं कि माँ के किसी काम ही आ जाओ। असद बेदिली से उठा और दही लेने के लिए चला गया। घर वापस आकर माहौल की तब्दीली देख के वो हैरान रह गया। उसकी अम्मी उससे जूस देते हुए बताने लगी कि अभी अभी पोस्टमैन आया था और गवर्नमेंट सील वाला लेटर देकर गया है। उन्होंने कहा, इसे खोल कर देखो, शायद इसमें कोई खुशखबरी हो। असद काफ़ी अरसे से गवर्नमेंट जॉब के लिए धक्के खा रहा था, इसीलिए फौरन ही उसने लेटर खोल कर देखा और उसकी खुशी की तो जैसे इंतहा ही नहीं रही, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट लेटर था। दोनों माँ बेटा बहुत खुश होते हैं। अगली ही सुबह असद ऑफिस जाने की तैयारी करता है और उसकी अम्मी उसे बहुत सारी दुआओं के साथ ऑफिस जाने के लिए रुख्सत करती हैं। ऑफिस की बिल्डिंग बहुत पुरानी बनी हुई थी और ऑफिस का स्टाफ मामूल से कुछ ज़्यादा ही कम था, जिसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा था और फाइल्स के ढेर लगे हुए थे। उसने कई लोगों को ऑफिस के हॉन्टेड होने के बारे में बात करते सुना, जिन्हें वो र्यूमर समझ के इग्नोर कर रहा था। फिर एक दिन उसका एक कलीग उसके रूम में आया और उसने कहा, सर अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो देर रात तक यहाँ बैठकर काम ना किया करें, आप यहाँ नए हैं इसीलिए आपको बताना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। असद गुस्से में आ गया। असद ने कहा, मैं ऑफिस पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखो। मैं सीट पर बहुत मुश्किलों से आया हूँ और पूरी ईमानदारी से यहाँ पर काम करूँगा। अगले दिन से क्लोजिंग के दिन शुरू थे और सबको ही लेट नाइट तक काम करना पड़ रहा था। उस रात जब वो देर रात तक केबिन में बैठा काम कर रहा था तो उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, तो वो उठकर कलीग्स के केबिन में आ गया और उनके साथ ही बैठकर काम करने लगा। काम ख़त्म होने पर फाइल्स को लॉकर रूम में रखने की बहस शुरू हो गई। मुइज़ ने कहा, देखो भाई काम वाम तक तो ठीक था, लेकिन ये फाइल रखने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। हादी ने बोला, मैं तो इतनी देर से वॉशरूम जाने के लिए नहीं उठा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। दोनों से इरिटेट होकर असद ने कहा, क्या यार कितने डरपोक लोग हो तुम। मैं रख दूंगा, लेकिन अब तुम लोग अपने घर के लिए निकलो, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे सर में दर्द कर दिया है। जैसे जैसे वो लॉकर रूम की तरफ बढ़ रहा था, उसे एहसास हो रहा था कि ऑफिस में लोग जो बातें भी करते हैं वो इतनी गलत भी नहीं है, क्योंकि मुस्तकिल उसे अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। और चूँ ही वो फाइल्स रखकर वापस होने लगा तो उसे किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। वो खौफज़दा हुआ और तेज़ी से वहाँ से निकला। कॉरिडोर से निकलते हुए उसे एक औरत नज़र आई जो कि बहुत खौफनाक थी। वो तेज़ी से ऑफिस से बाहर निकल गया। वो बिल्कुल बखला गया था कि सामने से उसे वही कलीग आता हुआ दिखाई दिया जिसने उसे वार्न किया था। उसने अजीब सी आवाज़ में बोला, असद
मैंने तुम्हें मना किया था कि ऑफिस में देर रात तक मत बैठना, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। असद कुछ बोल ना सका, बस खामोशी से आगे आगे चलने लगा। जब वो अपने घर के करीब पहुंच गया तो उसके पीछे से आवाज आई, लो तुम्हारा घर आ गया, अब मुझे जा सकते हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। होप यू आर लाइकिंग द स्टोरी। अगर आप भी हमारी वीडियोस में अपनी स्टोरीज फीचर कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए ईमेल एड्रेस पे अपनी स्टोरीज हमें लिख भेजें। टिल देन, टेक केयर।